सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठे। मजा आ गया भैया, मजा आ गया, क्या लस्सी आई। अमिताभ बच्चन और शिल्पा शेट्टी के बीच में क्या कॉमन है, तो उसका जवाब है लस्सी। हम पहुंच चुके हैं जयपुर और हम इस समय मौजूद हैं लस्सी वाला पे और इनकी लस्सी इतनी मशहूर है कि लोग दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, अलवर और पता नहीं कहां कहां से स्पेशली यहां पे लस्सी पीने के लिए आते हैं। 1944 यानी कि 70 साल पुरानी ये दुकान है और ये इतनी फेमस है कि 4 बजे तक इनकी सारी दही ख़त्म हो जाती है। क्या फेमस है इनकी दुकान पे, क्यों इनकी लस्सी सबसे ज़्यादा फेमस है जयपुर में, आइए देखते हैं और बताते हैं आपको और लेते हैं उसका स्वाद। जो आप दुकान देख रहे हैं ये इतनी ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे कोई मेन्यू है ही नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लस्सी मिलेगी और वो भी आपकी चॉइस है। मीठी ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए और शुगर फ्री का भी यहाँ पे ऑप्शन है। और ये जो पराते आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हर 15 से 20 मिनट के अंदर रिप्लेस की जाती है। मैंने कोशिश की इनसे जानने के लिए कि रोज़ की इनकी दही की खपत कितनी है, इन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे एस्टिमेट के हिसाब से ये जो आप खाली पराते देख रहे हैं और ये जो भरी हुई पराते आप देख रहे हैं, ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ, और एक परात में जमती है 7 से 8 किलो दही। तो मेरे अंदाजे और मेरे एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पर रोज़ इस्तेमाल होती है 300 किलो दही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 300 किलो दही। ज़रा सोचिए कि एक दुकान जहाँ पे 300 किलो दही का रोज़ इस्तेमाल होता है वो भी सिर्फ लस्सी बनाने के लिए, तो वो दुकान कितनी ज़्यादा फेमस होगी। यूँ ही नहीं, 70 साल से इन्होंने अपना एम्पायर क्रिएट किया हुआ है और दिन ब दिन इनका जो लोगों का कस्टमर है, जो भीड़ है, वो बढ़ती ही जा रही है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि इस दुकान पर भीड़ ना हो। आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट द शॉप, इट सेज अ लॉट अबाउट देयर लस्सी एंड इट सेज अ लॉट अबाउट देयर फॉर्चून।
बाद लस्सी का वेट सब बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है, तो हम ट्राई करेंगे इनकी स्पेशल लस्सी। हम दोनों लस्सी लेंगे, बड़ी भी और छोटी भी, और आपको बताएंगे कि क्या उस लस्सी के बारे में खास है। आइए लेते हैं और बता दें आप। दोनों लस्सी ले ली है, हमने एक मीठी ली है और हमने एक नमकीन ली है। दोनों लस्सी का स्वाद लेंगे और बताएंगे कि क्यों ये लस्सी जयपुर की सबसे ज़्यादा फेमस लस्सी है। आइए ट्राई करते हैं। जब किशनलाल अग्रवाल जी ने इस दुकान की स्थापना की तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कैसे जो उनका एम्पायर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब चौथी पीढ़ी इस दुकान पे बैठती है और इतनी ज़्यादा, मैंने आपको बताया ये दुकान फेमस है कि यहाँ पे लोगों का तांता लगा ही रहता है। कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि इस दुकान पे भीड़ ना हो। एक बार दोबारा से आप इधर कैमरा घुमा के अगर देखेंगे तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये भीड़ अभी के लिए नहीं है, ये भीड़ सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक यूँ ही लगी रहती है। ये है हमारी स्पेशल लस्सी जो हमने ऑर्डर की थी। कुल्हड़ में लस्सी को सर्व किया जाता है। ये है छोटा ग्लास जिसकी कीमत है मात्र 30 रुपये, और ये है 200 ml की, ये देखिए। और ये सर्व की जाती है इतनी सारी मलाई के साथ, लवली इज़न्ट इट। ये देखिए, मतलब कोई कंजूसी है ही नहीं मलाई की। और ये है बड़ा गिलास, अगर आप पहलवान हैं, अगर आप पंजाबी हैं और अगर आप शेर पुत्र हैं ना, तो आपके लिए है ये बड़ा गिलास जिसकी कीमत मात्र 60 रुपये। 400 ml का ये ग्लास है। हालांकि जब मैंने यहाँ पे पहले लस्सी ट्राई की थी तो ग्लासेस काफ़ी बड़े थे और उनकी क्वांटिटी भी बड़ी थी, लेकिन डजंट मैटर, हम यहाँ पे लस्सी पीने के लिए आए। व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ लस्सी, और मुझे लगता है बिल्कुल ही वैसे है। बोलते बोलते मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा है। आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्कूप ऑफ मलाई। अरे वाह, ये देखिए, लाजवाब है। क्या बनाता है इनकी लस्सी को खास, वो ये है कि ये लस्सी में पानी का इस्तेमाल करते ही नहीं है। इट्स ओनली कर्ड एंड आइस। जी हाँ, सिर्फ दही और आइस से बनाई जाती है ये लस्सी, इसीलिए ये है इतनी क्रीमी, इसलिए ये है इतनी बटरी, इसलिए ये है इतनी माउथ वाटरिंग। गजब है गाइस, गजब। और ये छोटा ग्लास सॉल्टी है, इसका भी मज़ा लेते हैं। इस पर भी मलाई की कोई कंजूसी नहीं, अच्छे से मलाई को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। वाओ मैन, लुक एट दैट, लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ द लस्सी। आई थिंक परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ट्राई करते हैं। वाओ मैन, सच में मुझे बोलना पड़ेगा, बीइंग अ पंजाबी, मैंने इससे ज़्यादा मीठी, इससे ज़्यादा अमेजिंग, इससे ज़्यादा क्रीमी लस्सी अपनी लाइफ में कभी नहीं पी है। इफ़ यू आर अ लस्सी लवर, आपको जयपुर आना चाहिए, आपको लस्सी वाला पे आना चाहिए, आपको MI रोड पे आना चाहिए, और आपको इनकी दोनों लस्सी ट्राई करनी चाहिए। कीमत मात्र 30 रुपये, छोटे गिलास 200 ml की, और इसकी कीमत मात्र 60 रुपये। और अगर आप दही पैक करा के घर पर लेके जाना चाहते हैं तो उसकी कीमत है 120 रुपये किलो। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जयपुर आइए, लस्सी वाला पे आइए और इतनी अमेजिंग लस्सी का लुत्फ उठाइए। मेरी जर्नी खाने की हमेशा यूँ ही जारी रहेगी, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। एक सिप और बनता है यार।